नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। संविधान दिवस के अवसर पर विजया हेरिटेज भीमराव अंबेडकर पार्क में संविधान दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भीमराव अंबेडकर कोमला पढ़कर कार्यक्रम की शुरुआत की, साथ ही स्कूली बच्चों एवं वहां के सारे लोग उपस्थित थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, हाँ बताइए सर, आज क्या हो रहा है? बाबा साहब अम्बेडकर हम सबों के लिए केवल एक आदर्श पुरुष नहीं, एक महापुरुष नहीं, बल्कि वो हम लोगों के प्रेरणा के स्रोत हैं, हमारी आस के और हमारे जीवन के हर उस पहलू में बाबा साहब का सपना और बाबा साहब की इच्छा हम सबों में निहित है कि हम कैसे अपने संविधान को अक्षुण रखें, कैसे अपने संविधान सम्मत काम को करके इस देश के दलित, पीड़ित, वांछित, लांछित, उपेक्षित लोगों की आवाज़ को कैसे बुलंद करें और उनको मुख्य धारा में कैसे लाएं, कैसे समाज की जो विकास की किरणें हैं, समाज की मुख्य धारा है, वो मुख्य धारा में जो हम। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।